हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल की पूड़ी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गर्म गर्म दाल की पूड़ी बन के तैयार है और हमने साथ में मिर्ची फ्राई किया था, तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है फ्रेंड्स। दाल पूरी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 150 ग्राम के आसपास दाल लिया है, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इसे वो डाल के उबालेंगे और इसे 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ज़्यादा इसे गलाना नहीं है दाल को। इसमें फिर नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसमें, और पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि हमारा पानी ज़्यादा नहीं हो और ना ही कम हो। तो पानी का जो मेजरमेंट है वो दाल के ऊपर 1 इंच पानी हम डालेंगे। तो अब हम आटा तैयार करेंगे। इसका आटा हमने आधा केजी के आसपास लिया फ्रेंड्स, और उसमें नमक डाला स्वाद के अनुसार, हल्का नमक डालेंगे, और अजवाइन और मंगरेला आधी चम्मच के आसपास हमने प्रयोग किया है, मीडियम साइज के चम्मच से आधी चम्मच, और हम इसे पानी डाल के गूँथेंगे, इसका अच्छा सा डो तैयार करेंगे। धीरे धीरे पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे फ्रेंड्स। आटा को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो फिर दाल पूड़ी का फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल के अच्छे से मिला के इसका डो तैयार करेंगे। तो हमारा फाइनली ये डो तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा दाल पक चुका है और पानी भी इसमें नहीं है। तो अब हम दाल को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने 1 चम्मच के आसपास डाला है यहाँ पर, और आधी चम्मच के आसपास जीरा, जीरा को ब्राउन होने देंगे, और इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने बारीक बारीक च॑ॉप किया था, और हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च हमने लिया है, और एक मीडियम साइज का प्याज, उसे बारीक बारीक च॑ॉप किया है। तो हमारा प्याज भून चुका है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने अदरक 1 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया है, और लहसुन जो है 7 से 8 कलियाँ लिया है, और अब हम इसे अच्छे से इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा अदरक जो है कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो ये हमारा लगभग प्याज ही भून चुका है। अब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने सारे मसाला आधी आधी चम्मच लिया फ्रेंड्स, धनिया आधी चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, और हल्दी आधी चम्मच। ये मसाले का मेजरमेंट है। वैसे आप कम ज़्यादा मसाला खाते हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसमें यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। और मसाले को यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि दाल डालने के बाद भी ये मसाला हमारा थोड़ा सा भून जाएगा। तो हल्का यहाँ पे भूनना है हमें मसाले को। तो ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें उबले हुए दाल ऐड करेंगे। तो ये दाल में फ्रेंड्स छिलका है, तो ये हमारा घर का दाल है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत छिलका है इसमें। आप बाज़ार से लाएंगे तो उसमें छिलके नहीं होंगे, क्योंकि ये घर के दाल का दाल पूड़ी बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए मसाला हमारा लगभग भून चुका है। तो अब हम डो को देखेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा का डो तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया आटा हमारा, गूथा हुआ आटा। अब हम इसकी लोई करेंगे। लोई फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा साइज का रख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसा पसंद हो।
आप इस दाल पूड़ी को चाहे तो बेल के भी बनाएं या फिर बगैर बेले ही केवल लोई करके उसमें दाल भर के हथेली के सहारे दबा के इसे फ्राई कर सकते हैं आप, या तो फिर आप बेल के भी फ्राई कर सकते हैं। हमने बेल के फ्राई किया है फ्रेंड्स। तो दाल पूड़ी को हम लोग के यहाँ बिहार साइड में फ्रेंड्स दल पूड़ी भी कहते हैं, अलग अलग जगहों में इसे अलग नामों से भी जाना जाता होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम दाल भरने के लिए इसे तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें चम्मच की मदद से या तो हाथों की मदद से हम इसमें डालेंगे दाल जो हमारा दाल फ्राई किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से इसे तैयार किया है। अब हम इस प्रकार से इसे बंद करेंगे। इस रेसिपी को आप देखेंगे फ्रेंड्स तो एक ही बार में सीख जाएंगे। तो ये देखिए हमारा बंद हो चुका है, ये पूरा लोई में दाल भरी हुई। तो आप चाहे तो इसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बेल के फ्राई किया है। तो बेलने के लिए फ्रेंड्स हम आटा इसमें नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी तेल लगा के इसे बेलेंगे और ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, नहीं तो ये हमारा दाल पूड़ी फट जाएगा। तो ये देखिए हमारा फाइनली बेल के तैयार है। तो इसी प्रकार से हम सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और सारे दाल पूड़ी को अच्छे से भर के इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने सारा दाल पूड़ी को बेल के भर के रख लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स हमने कढ़ाई लिया, उसमें तेल डाला है, तेल लगभग 250 ग्राम के आसपास डाला है हमने। तो यहाँ तीन तीन करके हम निकालेंगे। आप कम या ज़्यादा तेल रखने के बाद उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं दाल पूड़ी को। कम तेल देंगे तो कम मात्रा में निकलेगी एक बार में। अब तेल को इस प्रकार से ऊपर से कलछू की मदद से थोड़ा सा हिला के डालें ताकि अच्छे से ऊपर से भी पक जाए। तो ये देखिए हमारा एक साइड पक चुका है, एक तरफ हमारा सिक चुका है दाल पूड़ी। अब हम इसे पलटेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन हुआ है फ्रेंड्स। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा फाइनली दाल पूड़ी फ्राई हो गया है। तो इसी प्रकार से हम सारे दाल पूड़ी को फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हमने टाइम लैप्स वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है। प्रोसेस सेम रहेगा फ्राई करने का फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आप दाल पूड़ी को तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिर्ची को फ्राई किया है खाने के लिए। दाल पूड़ी के साथ फ्राई की हुई मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने मिर्ची को फ्राई कर लिया है और इसमें नमक और जलजीरे का मिश्रण को मिलाया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा दाल पूड़ी बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही मुलायम और ऊपर से करंची है फ्रेंड्स। और इसे हम सॉस के साथ सर्व करने वाले हैं, टोमेटो केचप के साथ। आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हरी मिर्च के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ हरी मिर्च ज़रूर रखें खाने में। तो ये देखिए हमने एक दाल पूड़ी को तोड़ा है, तो ये देखिए अंदर का टेक्सचर इसका। तो इस प्रकार का कुछ हमारा अंदर में दाल फ्राई किया हुआ है।
ये देखिए है ना मज़ेदार। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। देखिए देख के मन खुश हो गया होगा, लग रहा होगा खाने का मन कर रहा होगा आप लोगों को। तो आप भी अपने घर पे बनाएं इस रेसिपी को और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।